हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है अभी सभी लोगों का तरका ब्लॉग्स पे। मैं हूं आपका दोस्त नवरूप और शुरू करते हैं आज का और एक नया ब्लॉग। आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट टाइप का ब्लॉग होगा जो मैं नॉर्मली जैसे ब्लॉग करता हूं, ट्रैवल हो या फूड, उससे थोड़ा हटके है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है। तो हम लोग जब छोटे थे तब बहुत खेल का कॉम्पिटिशन होता था, क्रिकेट हो गया, फिर कैरम या बैडमिंटन जो भी हो, लेकिन अभी गवर्नमेंट का गाइडलाइंस है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। और हाल ही में एक गेम जो बहुत पॉपुलर हुआ है वो पबजी मोबाइल। तो अभी डिजिटल ज़माना है तो सभी लोग डिजिटली मोबाइल पे ही गेम खेलते हैं साथ साथ, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए। तो सिलचर के मेरे कुछ जान पहचान वाले जो छोटे भाई है वो पहली बार सिलचर में एक ऑनलाइन टूर्नामेंट अरेंज किया है पबजी मोबाइल का, और जो यूट्यूब चैनल नॉक एंड फिनिश YT से लाइव स्ट्रीम हो रहा है। तो उन्होंने आज मुझे इन्वाइट किया, उनका आज शायद सेकेंड डे है, तो उसका पहला कस्टम मैच 4:30 बजे से स्टार्ट होगा। और आज है 16th of May। तो अभी आप सब लोग जो पबजी मोबाइल के क्रेज़ है जिनमें और जो लोग गेम खेलते हैं और इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, तो ये यूट्यूब में आप लाइव स्ट्रीम देख ही रहे होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे और उनसे मिलने के लिए, और फिर शायद हो सके तो कमेंट्री भी करूँगा। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और जाने से पहले एक ब्लॉग शुरू करने से पहले सॉरी एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है कि नीचे जो लाल कलर का प्यारा सा बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, वो आप जल्दी से दबा दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं इस चैनल पर जो भी नए नए ब्लॉग्स है वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और गेमिंग हाउस में जाके आप सब से मिलाता हूँ। गाइज, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि सिलचर में पहली बार ऑनलाइन टूर्नामेंट हो रहा है पबजी मोबाइल का, क्योंकि अभी जो सीज़न है लॉकडाउन का, तो वहाँ पे सब लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने का ज़रूरत है। और जैसे कि पबजी मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म में खेला मैच होता है, तो आपको पता ही है कि वो आप घर पर बैठ के भी खेल सकते हैं, और यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी एकदम बखूबी ध्यान रखा जाता है। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मैं कॉमेंट्री कर रहा था जो फर्स्ट कस्टम मैच आज का था, और अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं भी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ लाइव कॉमेंट्री किया, मुझे कभी ये आइडिया नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, लेकिन मेरे छोटे भाई राहुल और जून ने बहुत ही मुझे बोला आने के लिए, इसलिए मैं आया। तो अभी मैं राहुल और जून के पास चलता हूँ, आपको मिलाता हूँ नॉक एंड फिनिश YT के टीम से जो सिलचर में पहली बार कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आए। राहुल, तुमसे जानने की कोशिश है और जून तुमसे भी कि कैसे ख्याल आया कि ऐसा एक टूर्नामेंट करना चाहिए पबजी मोबाइल के ऊपर। हम लोग का यही मतलब एक मोटिव था कि चलो एक टूर्नामेंट करवा के देखते हैं कि अभी तो पबजी का मोबाइल का क्रेज़ आपको मालूम ही है, बहुत टूर्नामेंट्स होता है जैसे PMCO, PMIS, PMIT, फिर PMPL अभी नया आया है जो कि प्रो लीग हो रहा था, मतलब प्रो लीग का मतलब शायद एक राउंड का हुआ, फिर कोविड का वो सीन आ गया, फिर बंद हो गया। तो इसी का मतलब सोच के मैंने सोचा ठीक है चलो अभी लॉकडाउन में सभी घर पर है तो देखते हैं, मतलब एक बार करवा के देखते हैं। सिलचर में भी बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट्स है तो देखते हैं फिर। तो गाइस, अभी सुना आपने कि उन्होंने कैसे ये टूर्नामेंट का आइडिया था उनके दिमाग में और उन्होंने ये टूर्नामेंट स्टार्ट किया। अभी मैं जून से जानना चाहता हूँ, जून ये जो टूर्नामेंट आप लोगों ने प्लान किया तो उसमें कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है? और अभी हम लोग देखते हैं कि ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं कि पढ़ाई करो या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन ऐसे भी बहुत है जो यूट्यूबर है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में गेमिंग भी एक करियर हो सकता है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि गेमिंग में प्रोस्पेक्ट है कि अगर आप अच्छा खेलते हो तो वो आगे जाके आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकता है गेमिंग करियर में, आप क्या सोच रहे हो? हाँ, मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म तो है, क्योंकि देख आपको भी मालूम होगा कि जैसे हम लोग मतलब इंस्पिरेशन के तौर पे हम लोग ले सकते हैं सोल मॉडल, फिर जोनाथन, फिर स्काउट को, ये सब लोग को हम लोग इंस्पिरेशन के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन पढ़ाई भी उतना इम्पोर्टेंट है। अभी आपको मतलब जैसे आपका गेमिंग में आपको पूरा फोकस अगर करना है तो मतलब पढ़ाई भी करना है, मतलब एक लेवल तक तो पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि आप लोग को आपको नॉलेज का भी ज़रूरत है वही। और ये टूर्नामेंट का जो रेस्पॉन्स के बारे में आपने पूछा है मुझसे, तो रेस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। फर्स्ट टाइम हम लोग ने
उतना एक्सपेक्ट नहीं किया। हाँ मतलब हम लोग ये बात सही है, अगर कोई टूर्नामेंट हो या कोई भी अगर हम लोग इवेंट प्लान करते हैं उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, थोड़ा टाइम भी चाहिए। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा कि ये अनाउंसमेंट हुआ ज्यादा दिन नहीं हुआ है, हार्डली 5 to 7 days होगा, नहीं 4 to 5 days। हम लोग मंडे नहीं संडे को किया था शायद, संडे को प्लान किया और मतलब वो दिन 5 days टूर्नामेंट चालू हो गया। और एक चीज है कि फर्स्ट टाइम आप लोगों ने जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया ये सिलचर के लिए, बहुत ही एक मतलब गर्व की बात है कि यहाँ पे भी जो टीनेजर्स है या यंग ग्रुप है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म में आने की चाह रखते हैं। और साथ ही आप लोगों ने जो प्राइस पूल रखा है वो भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि 20,000 प्राइस पूल इज नॉट अ मैटर ऑफ जोक, और आप लोग जो चैंपियन टीम को दे रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है। ओके गाइस, तो यही था आज का ब्लॉग, जो थोड़ा हटके ब्लॉग हुआ। मैं ज़्यादातर ट्रैवल या फूड ब्लॉगिंग ही करता हूँ, आज पहली बार कुछ डिजिटली करने का कोशिश किया, और सिलचर में भी ये पहली बार हो रहा था तो ये कंटेंट में मिस नहीं करना चाह रहा था। तो आप में से जो लोग ये ब्लॉग देखने के बाद ब्लॉग को एंजॉय किए तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि तड़का ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हाँ कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, और हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का भी बखूबी ध्यान रखिए।